हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एशिया स्टेट इन रोम का। आज का जो मैच नंबर 28 होगा वो खेले जाने वाला है ASL वर्सेस RBMS के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज 4:45 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो 8 पिक्सल विकेट हैं। एवरेज को 90 से 130 के बीच में रहने वाला है। मैंने रिकॉर्ड देख लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल इस पिच पे ना 26 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। 12 मैच जीते बैटिंग पश्चिम वाली टीम ने, 14 मैच में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ASL की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मैसेज सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, जो है उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ASL की टीम की। लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 3 मैच हार रही है, लास्ट 3 मैच ये जीत के आ रही है। लास्ट मैच में ओपनिंग की थी सुखवीर सिंह ने और अमनदीप सिंह ने। सुखवीर सिंह की बात करें देख सकते हो 0 विकेट, 76 0 विकेट, 7 0 विकेट, 14 2 विकेट, 18 0 विकेट और 26 0 विकेट। सिर्फ एक मैच में विकेट निकाल पाए थे, बाकी हर मैच में ज़्यादातर आपको 2-2 डालते दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा तो आपको अपनी टीम में से जरूर मौका देना चाहिए। T10 के 14 मैच खेले हैं, 246 रन है, 18 का एवरेज है, 6 विकेट है, 27 ओवर डाल के। अमनदीप सिंह की बात कर लेते हैं, 9 1 विकेट, 1 विकेट, 24 3 विकेट, 54 2 विकेट, 0 विकेट और 41 1 विकेट। ये आपके लिए बेस्ट विकेट रहने वाला है क्योंकि ना हर मैच में आपको ज़्यादातर 2-2 डालता दिखाई देगा और बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला है। मौका आपको अपनी टीम में से जरूर देना चाहिए। चरणजीत सिंह की बात कर लेते हैं, 20 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 5 1 विकेट, 50 0 विकेट और 40 1 विकेट। देख सकते हो सिर्फ यहाँ पर 3 मैच में विकेट निकाल पाए थे और 3 विकेट इनके नाम है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा तो आप अपनी टीम में मौका दे सकते हो। T10 के 14 मैच खेले हैं, 266 रन है, 12 विकेट है, 27 ओवर डाल के। गुरमुख सिंह की बात कर लेते हैं, 11 17 44 98, 54 14 और 0। यहाँ पर ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है। सिर्फ लास्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, 0 रन किए थे, बाकी पूरे मैचों में अच्छा रिकॉर्ड है इनका। यहाँ से आ जाते हैं हसमत निर्णय की बात कर लेते हैं, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 10 0 विकेट, 38 0 विकेट और यहाँ पर 28 0 विकेट। सिर्फ एक मैच में विकेट निकाल पाए थे, हर मैच में ज़्यादातर आपको 2-2 डालते दिखाई देंगे। बट ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं तो आप अपनी टीम में इसे मौका दे सकते हो क्योंकि ना अगर हो तो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। यहाँ से आ जाता है धर्मेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, 9 0 9 बैटिंग, 1 36 और 2 रन। लास्ट वाले मैच में फ्लॉप रहे थे, सिर्फ एक मैच में 36 रन की अच्छी पारी इन्होंने खेली थी। ओंकार सिंह की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 31 रन, 0 विकेट 6 1 विकेट, 3 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट। ये आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है क्योंकि ना इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। देख सकते हो लास्ट 3 मैचों में कन्फर्म इन्होंने विकेट निकाले थे, पहले 3 मैचों में फ्लॉप रहा था, बाकी लास्ट 3 मैचों में अच्छा किया है। ऋषपाल सिंह की बात कर लेते हैं, सिर्फ लास्ट के मैच में मौका मिला था, 4 रन खेलके गया है। T10 के 3 मैच में 1 रन है, 1 का एवरेज है, ओवरऑल 4 मैच 19 रन है। जसविंदर मंगर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 मैच में देख सकते हो यहाँ पर ना 4 मैच में 9 बैटिंग रहे थे, सिर्फ फर्स्ट वाले मैच में 1 ओवर मिला था विकेट लेस रहे हैं, लास्ट वाले मैच में 6 नॉट आउट रहे हैं। मुनीम महमूद की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 1 विकेट, 9 बैटिंग, 3 विकेट, 0 विकेट और 9 बैटिंग। देख सकते हो यहाँ पर ना अगर बॉलिंग मिलती है बंदे को तो आपको विकेट दे सकते हैं क्योंकि नहीं नहीं बॉलिंग तो काफ़ी अच्छी है, पर देख सकते हो लास्ट मैचों में ये फ्लॉप रहा है। लखविंदर पाल की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 9 बैटिंग रहा था, सिर्फ 1 मैच में मौका मिला है। T10 के 4 मैच में 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के, ओवरऑल 14 मैच में 23 रन हैं, 26 विकेट हैं, 51 ओवर डाल के। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग ओवर डाला जाएंगे सी सिंह, एच ढिंडसा, एस सिंह, डेथ को डाला जाएंगे एच ढिंडसा, सी सिंह और एस सिंह। जो डेथ बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ही दे जाएंगे। यहाँ पर हम दूसरी टीम RBMS की बात कर लेते हैं। लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 4 मैच पहले जीती है, लास्ट 2 मैच ही हार के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी सरिफ हैरान ने, अनिक अहमद ने। हैरान की बात करें देख सकते हो 41 21 37 नॉट आउट, 87 नॉट आउट, 49 नॉट आउट और 10 रन। देख सकते हो सिर्फ लास्ट वाले मैच में
थोड़ा कमज़ोर रिकॉर्ड रहा था, बाकी पूरे पांचों मैचों में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो मौका आप अपनी टीम में ज़रूर इसे देना चाहिए। अंकित अहमद की बात कर लेते हैं, 24 0 विकेट, 8 0 विकेट, 67 नॉट आउट, 0 विकेट, 4 3 विकेट, 89 0 विकेट और 10 0 विकेट। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक मैच में 3 विकेट निकाल पाए थे, बाकी हर मैच में आपको दो दो डालते दिखाई देंगे, बट इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपको अपनी टीम में इसे मौका देना चाहिए। अहमद मोहसिन की बात कर लेते हैं, 27 66, 1 विकेट, 15 0 और यहाँ पर 11 2 विकेट। देख सकते हो लास्ट वाले मैच में ना कंफर्म 2 डाल के 2 विकेट निकाले थे, प्लस 11 रन भी किए थे। ये आपके लिए बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाला है। T20 के 10 मैच में 228 रन हैं, 11 विकेट, 12 ओवर डाल के, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। सोहेल चौधरी की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक मैच में 41 नॉट आउट के छिपार के लिए हैं, बाकी ये फ्लॉप रहा है। राजीव महमूद की बात कर लेते हैं, 17 1, 9 बैटिंग और 4 रन, T10 के 24 मैच में 243 रन हैं, 1 विकेट हैं। हरिपर जन्नत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो 14 नॉट आउट की पारी के लिए हैं, फर्स्ट और लास्ट मैच में 11 रन के हैं, यानी अभी तक ये बड़ी पारी नहीं खेले। T10 के 7 मैच में 2 विकेट है, 3 ओवर डाल के। इब्राहिम सलीम की बात कर लेते हैं, देख सकते हो 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, 5 मैच में मौका मिला था और यहाँ पर लास्ट मैच में 2 डाल के 1 विकेट निकाले थे। पूरे मैचों में देख सकते हो ज़्यादा 2 2 डाले हैं और सिर्फ यहाँ पर ये 3 ही विकेट निकाल पाए हैं। बिलाल हुसैन की बात कर लेते हैं, 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, देख सकते हो ये बॉलिंग काफ़ी अच्छी कर लेता है, मौका जरूर देना। लास्ट मैच में 2 डाल के 1 विकेट निकाला था। T10 के 12 मैच में 20 रन है, 9 विकेट है, 24 ओवर डाल के। MD नईम की बात लेते हैं, लास्ट मैच में 26 नॉट आउट के छिपार के लेते हैं, बाकी पहले 3 मैच में 9 बैटिंग रहते हैं। मोहम्मद सिद्दीकी की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 0 विकेट, देख सकते हो यहाँ पर ना T10 के 6 मैच के लिए हैं, 9 विकेट हैं, 10 ओवर डाल के। सैफुल हीरा की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग और 0 रन, सिर्फ 1 मैच में 2 डाल के 2 विकेट निकाले थे, बाकी पूरे 4 मैचों में फ्लॉप रहे हैं। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा ना उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जैसे भुईयान खेलता है तो ये भी आपके लिए बेस्ट पिक होने वाला है, मौका आप अपनी टीम में इसे दे सकते हो। स्टार्टिंग ओवर डालने आ सकते हैं यहाँ से, एस ए अहमद, बी हुसैन, आई सलीम, डेथ को डालना चाहेंगे, ए मौसिम, ए अहमद। जो डेथ बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट देने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ही दे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे कमेंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो हम चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में आवर मैंने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ जी सिंह को, और बैटिंग सेक्शन से डी सिंह को, ओ सिंह को, ऑलराउंडर सेक्शन से सी सिंह, एम अहमद, एस सिंह, ए सिंह, और यहाँ पर करने वाला हूँ एस रहीम, और यहाँ पर ए अहमद। बॉलिंग सेक्शन से करने वाला हूँ बी हुसैन को और ए अब्बास को, और यहाँ पर मैं अपना कैप्टन करने वाला हूँ एस रहीमन को और वाइस कैप्टन करने वाला हूँ एस सिंह को। बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम, फाइनल टीम में बार बार बोल रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना फ्रेंड। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।